गगल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार के संगठन के पश्चात ये पहला सत्र है। धर्मशाला में सरकार और उसमें विधानसभा के माननीय सदस्य जो हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चार दिन का ये सत्र यहां पर चलेगा और जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, उसके बाद सारी चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। देखिए, नई सरकार के गठन के पश्चात पहला प्रवास है धर्मशाला का और उसमें विधानसभा के जो माननीय सदस्य हैं उनकी शपथ होगी। विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके अतिरिक्त जो है चार दिन का ये सेशन यहां पर चलेगा और उसमें जो सारी चीजें जिस प्रकार से एक स्थापित व्यवस्था के अनुसार जो की जाती है, क्योंकि पहला सत्र है सरकार के गठन के पश्चात, उन सारी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे और उसके बाद सारी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सीयू की स्थापना के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सारी चीजों में उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। हिमाचल की जनता ने जो दायित्व सौंपा है उसका वह पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सारे पक्षों को सुना जाएगा और फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने एक और सवाल जो युवाओं की उम्मीदों को लेकर किया गया, उस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिवर्तन से युवाओं को भारी उम्मीदें हैं और इस परिवर्तन के साथ बहुत ज्यादा हुई है, इस बात से हम सहमत हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को संयम रखने की जरूरत है और हम युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। युवाओं की भावनाओं की आहत नहीं किया जाएगा, जो हम कर सकेंगे युवाओं के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए पेंशन को लेकर पहले ही कैबिनेट अपना फैसला दे चुकी है। सर, सीयू का मुद्दा भी है जो कि 10 सालों से लटका पड़ा है और अधिसूचना इन सारी चीजों में मुझे जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी अभी जो दायित्व मिला है इस दायित्व के पश्चात जो है मैं सारी बातों को जिम्मेवारियों के साथ जो है निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। सारे पक्ष को सुनेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। सर, नगर नियोजन एक्ट के लिए हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया जो अमेंडमेंट पिछली सरकार लेके आई थी और उससे हिमाचल प्रदेश की 3000 से अधिक संपत्तियां जो हैं इस वक्त। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, ये पहला सत्र है विधानसभा का, हम आए हैं और बाकी बातें आप लोगों को मिलने के लिए हम निर्धारित समय करेंगे, उस वक्त करेंगे। थैंक यू। प्रोटेम स्पीकर कह रहे हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं कह, एक स्थापित व्यवस्था है, एक कुछ वर्षों से एक जो सारी चीजें जिस प्रकार से नियमित रूप से चली है उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को अब आज के इस दौर में हमको पूछने की भी जरूरत नहीं है। सर, विपक्ष के पास एक तिहाई बहुमत नहीं है सर, तो क्या आप उनको मान्यता देंगे नेता प्रतिपक्ष की? विचार करेंगे, इसमें नियम के अनुसार क्या बनता है उस पर ही निर्णय करेंगे। सर, युवाओं के लिए, युवाओं की बहुत बड़ी उम्मीद है हिमाचल प्रदेश में और इस परिवर्तन के साथ ज्यादा उम्मीद हुई है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को कह रहे हैं युवा संयम रखें और उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करने के साथ साथ जो भी युवाओं के लिए जो करने की चीजें होंगी वो करेंगे और बुजुर्गों के लिए तो हमने पहली ही कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जो पेंशन जिनको मिलती थी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो है उसमें जो है 80 साल की उम्र के बाद जो है वो कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं होता था, हमने उसको 70 साल कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को उससे जो है वो बुढ़ापे के इस दौर में से गुजरने के लिए जो कठिनाई आती है उसको राहत मिल सके। थैंक यू। प्रो टाइम स्पीकर के उस बयान के जवाब को टालते हुए सीएम ने कहा कि व्यवस्था है जिसके तहत सत्र धर्मशाला में करवाया जा रहा है। प्रो टाइम स्पीकर धवाला ने इस सत्र को धर्मशाला में करवाने को लेकर कहा था कि धर्मशाला में सत्र करवाना सरकारी पैसों का दुरुपयोग है। इस पर सीएम ने कहा कि कुछ वर्षों से परंपरा कायम हुई है, ये मात्र उसका निर्वहन किया जा रहा है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कह, एक स्थापित व्यवस्था है, एक कुछ वर्षों से एक जो सारी चीजें जिस प्रकार से नियमित रूप से चली है उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को अब आज के इस दौर में हमको पूछने की भी जरूरत नहीं है। सर, विपक्ष के पास एक तिहाई बहुमत नहीं है सर, तो क्या आप उनको मान्यता देंगे नेता प्रतिपक्ष की?
विचार करेंगे, इसमें नियम के अनुसार क्या बनता है उस पर ही निर्णय करेंगे। सर युवाओं के लिए, युवाओं की बहुत बड़ी उम्मीद है हिमाचल प्रदेश में और इस परिवर्तन के साथ ज्यादा उम्मीद हुई है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को कह रहे हैं युवा संयम रखें और उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान करने के साथ साथ जो भी युवाओं के लिए जो करने की चीजें होंगी वो करेंगे। और बुजुर्गों के लिए तो हमने पहली ही कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जो पेंशन जिनको मिलती थी सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो है उसमें जो है 80 साल की उम्र के बाद जो है वो कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं होता था, हमने उसको 70 साल कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को उससे जो है वो बुढ़ापे के इस दौर में से गुजरने के लिए जो कठिनाई आती है उसको राहत मिल सके। थैंक यू।